पूरी दुनिया में इस वक्त मजहबी कट्टरता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कट्टरवाद इस्लामिक देशों को सऊदी अरब से सीख लेनी चाहिए, जहां कट्टरता की कोई जगह नहीं है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब ने आतंकवादी सोच वाले देश पाकिस्तान को कड़ा जवाब भी दिया है। सऊदी अरब ने एक नक्शा जारी किया है, जिसमें कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना है। दरअसल सऊदी अरब जानता है कि पाकिस्तान का इन इलाकों पर अवैध कब्जा है, यानी पाकिस्तान के मजहबी अतिक्रमण के खिलाफ अरब क्रांति की शुरुआत हो गई है। पाकिस्तान के दुष्प्रचार पर सऊदी अरब का प्रहार। गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर पर सऊदी का सच। मजहबी अतिक्रमण को सऊदी का जवाब। गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरे पीओके पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। ये बात भारत पूरी दुनिया को वर्षों से बता रहा है। अब ये सच्चाई उन इस्लामिक देशों को भी समझ आने लगी है, जो इस्लाम को मानवता का धर्म मानकर तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब ने कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया है। सऊदी सरकार ने अगले महीने होने वाली G20 समिट के लिए एक विशेष नोट जारी किया है। सऊदी अरब ने 20 रियाल का बैंक नोट जारी किया है। इस नोट के पिछले हिस्से पर G20 देशों के नक्शे। खास बात यह है कि इसमें कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिखाया गया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सच का आईना दिखाया है। कुछ महीने पहले तक पाकिस्तान मुस्लिम देशों के संगठन OIC में कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए सऊदी अरब पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। यहां तक कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को OIC से अलग नया संगठन बना। इसी धमकी का जवाब सऊदी अरब ने अब जाकर पाकिस्तान को दिया है। पिछले साल फरवरी की तस्वीर याद कीजिए, जब इमरान खान सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लाने के लिए खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे और उनकी गाड़ी के ड्राइवर बन गए। उस वक्त इमरान ने खुद को सऊदी का सबसे बड़ा दोस्त बताने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान का कट्टरपंथी चरित्र अब सऊदी को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अब कट्टरपंथी इस्लामिक देश टर्की के साथ खड़ा है। कश्मीर पर सऊदी अरब सच जान गया है, लेकिन इमरान खान अब भी कश्मीर राग अलापने से बाज नहीं आ रहे। ये जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ये जब तक कश्मीरी कौम को नहीं मिलेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं मुसलसल इनके लिए जद्दोजहद करूंगा। कट्टर इस्लामिक देश टर्की की दोस्ती ने इमरान खान की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी है कि उन्हें सही गलत का फर्क ही समझ नहीं आ रहा। कट्टरता की इसी सोच पर पाकिस्तान सरकार चलती रही तो नए पाकिस्तान को बर्बाद होने से बचा नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।